JF-17C ब्लॉक 3 लड़ाका त्यारा तेजी से आलमी दिफाई मार्केट में सबसे ज्यादा तलब किए जाने वाले फौजी त्यारों में से एक बन रहा है, जिसमें सस्ती जदीद टेक्नोलॉजी और जंगी तासीर का इम्तिजाज है। JF-17C ब्लॉक 3 ने मिलिट्री एविएशन में उभरते हुए खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान की साख को मुस्तहकम किया है। हालिया पेशरफ्त से जाहिर होता है कि मुतअद्दद ममालिक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाका त्यारे के हुसूल में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं और अब ईरान ने पाकिस्तान से JF-17C ब्लॉक 3 लड़ाका त्यारे खरीदने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। ये तजवीराती इकदाम इलाकाई ताकत की हरकियात को नुमाया तौर पर नई शक्ल दे सकता है, खास तौर पर जब अहम जेली निज़ामों के साथ तुर्की की शमूलियत मुआहदे में पेचीदगी की एक और परत का इजाफा करती है। JF-17C ब्लॉक 3 की आलमी मांग आसमान को छू रही है, जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयर स्पेस कारपोरेशन ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। ये जेट मगरबी और रूसी प्लेटफॉर्म्स का सस्ता मुतबादिल है, जिससे ये उन ममालिक के लिए खास तौर पर पुरकशिश है जो F-35 या SU-57 जैसे अगली नस्ल के लड़ाका त्यारों पर अरबों रुपए खर्च किए बगैर अपनी फजाइया को अपग्रेड करना चाहते हैं। जो चीज़ JF-17C ब्लॉक 3 को मार्केट में गेम चेंजर बनाती है वो इसके जदीद खसूसियात हैं। ये त्यारा एक फाल इलेक्ट्रॉनिक स्कैन शुदा रिडार से लैस है, जो बसरी रेंज मिसाइलों से आगे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम और एक मरबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है। ये सलाहियतें फजा से फजा में लड़ने की महारत और जमीनी हमले की सलाहियतों का तवाजुन फराहम करती हैं, जिससे त्यारे को मुतअद्दद जंगी मशकों के लिए इंतहाई मतनू बना देता है। JF-17C ब्लॉक 3 की कामयाबी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है और हाल ही में इस बात की तस्दीक की गई कि अजरबैजान ने $1.6 बिलियन के माहदे के तहत ब्लॉक 3 वर्जन को अपनी फजाइया में शामिल किया है, जो अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के ख्वाहम ममालिक की बढ़ती हुई दिलचस्पी का इशारा है। अजरबैजान के अलावा म्यांमार और नाइजेरिया पहले ही JF-17 ब्लॉक 1 मॉडल्स के ऑपरेटर्स हैं। ईरान ने पाकिस्तान से JF-17C ब्लॉक 3 लड़ाका त्यारे खरीदने की दरख्वास्त की है, जो मगरबी ताकतों की जानिब से ईरान पर जारी पाबंदियों के पेश नज़र आलमी दिफाई मंजरनामे में एक अहम लम्हा है। ये माहिदा अमरीकी या यूरोपीय दबाव के ताबे हुए बगैर फजाई जंगी सलाहियतों में इंतहाई जरूरी इजाफा फराहम करेगा। JF-17C ब्लॉक 3 में ईरान की दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्के नहीं है, क्योंकि लड़ाका त्यारों की सलाहियतें ईरान की ताजवीराती जरूरियात से मुताबकत रखती हैं। ये सस्ता लड़ाका साबित है और ज्यादा महंगे मगरबी और रूसी जेट त्यारों के खिलाफ अपने आप को बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। तुर्की के जेली निज़ामों का इजाफा, जो एवियोनिक्स और दीगर अहम अज्जा का हिस्सा है, नफासत की एक और परत का इजाफा करता है, जो इस माहदे को ईरान के लिए खास तौर पर काबिले कदर बनाता है। अगर यह माहदा ईरान की फजाइया के जरिए होता है तो ईरान की फजाइया को JF-17C ब्लॉक 3 में इसकी BVR सलाहियतों के साथ एक अहम अपग्रेड मिलेगा। एक रिडार और जदीद एवियोनिक्स ईरान को एक जदीद लड़ाका त्यारा फराहम करेगा, जो इसराइल और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों के खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इस हसूल से ईरान को अपनी इलाकाई फजाई ताकत को बढ़ाने और ख़ास तौर पर खलीज फारस में जारी कशीदगी की रोशनी में अपने मफादात का ज्यादा मौसर तरीके से दिफा करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान का JF-17C ब्लॉक 3 अब सिर्फ मुकामी कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि ये तेजी से आलमी दिफाई मार्केट में एक अहम खिलाड़ी बन रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी और कफायत शारी के हामिल लड़ाका त्यारों के इम्तजाज ने इसे मगरबी या रूसी त्यारों के आला कीमत के टैग के बगैर अपनी फजाइया को जदीद बनाने के ख्वाहां ममालिक के लिए तरजीही इंतखाब के तौर